हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पे आए हो, और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आप लोग टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर आपको अपडेट्स वगैरह PDFs वगैरह मिलते रहते हैं, और पर्सनली कनेक्टेड वहाँ पर आप लोग हो सकते हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो वहाँ पर आपके डेफिनेटली डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके कनेक्टेड हो सकते हो। बात करने वाले हैं SB क्लरिकल एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, ये एग्ज़ाम बहुत समय से, कभी इसके प्रीलिम्स की डेट नहीं आ रही थी, कभी मेंस की डेट नहीं आ रही थी। अभी अगर आप लोग देखोगे तो प्रीलिम्स के इनके जो एग्ज़ाम बचे हुए थे जिन सेंटरों पे, नासिक वगैरह पे, तो उन सेंटरों की डेट जो है वो आ चुकी है, और उनके एडमिट कार्ड्स भी आउट हो चुके हैं। तो मे बी इस महीने में वो कंप्लीट प्रोसेस इनकी हो जाएगी, जितने भी एग्ज़ाम इनके बचे हुए थे बाकी। इसके बाद इनके जो, अगर बात की जाए मेंस एग्ज़ाम की, तो देखिए सितंबर के अंदर इनका मेंस एग्ज़ाम कहीं पे भी लग सकता है। अब ये डेट 14 वाली जो डेट आ रही है वो फिक्स नहीं है कि 14 को ही होगा। अब TCS की तरफ से कन्फर्म अब सोर्स बता रहे हैं कि आ रही है डेट, पर ये नहीं है कि अपने को ये 14 ही मान के चलना है। अपने को यही मान के चलना है कि 10 से के बाद, यानी 10 जो सितंबर होगा उसके बाद कभी भी अपना एग्ज़ाम हो सकता है, ये मान के चलना है। क्योंकि 10 क्यों को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 28 या 29 तारीख तक तो मैं भी उनके एग्ज़ाम है जिनके प्रीलिम्स बचे हुए हैं। अगर उनके एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद अगर उन रिजल्ट आता है अपना, तो रिजल्ट आने के 10 दिन बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 सितंबर के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम कहने के शेड्यूल हो रहा है। और गोल्डन और ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, SB क्लरिकल के अंदर। SB एक ब्रांड है, उसके अंदर अगर आप लोगों को अपनी जॉब सिक्योर करना है तो इससे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। आपका प्रीलिम्स हो चुका है, आपने अच्छे अटैम्प्ट किए, आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया है, ईमानदारी से मेहनत की है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि मेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग में आपके पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, आपको GK पे फोकस करना है और इंग्लिश पे फोकस करना है। अब इंग्लिश अगर किसी की एवरेज है, किसी की वीक है, तो उसके लिए तो सबसे बड़ा हथियार है GK, क्योंकि GK 50 नंबर का आता है, और 50 में से आप लोग जितना ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कर पाओ उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी सोर्स आप लोग फॉलो कर रहे हो, ट्रस्टेड सोर्स आप लोग फॉलो कीजिए, चाहे आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग वो कर रहे हो वो कर रहे हो, कोई भी सोर्स अगर आप लोग पहले से फॉलो कर रहे हो, जिनको आप लोग जनवरी से फॉलो कर रहे हो, उसी सोर्स पे टिके रहो और उस पे बिलीव करो, उस पे ट्रस्ट करो और उस चीज़ को पढ़ो। अब कुछ एक स्टूडेंट क्या होते हैं कि इस टाइम पे आके पैनिक हो जाते हैं और अपना सोर्स बदल लेते हैं। यानी पहले आप लोग किसी ऐसे सोर्स पे लगे हो जनवरी से लेके और जुलाई या अगस्त तक, और अब आके आप लोग बोल रहे हो सर उसका GK बहुत आता है, उस GK पे अगर फोकस कर लिया जाए तो मे भी एग्ज़ाम निकल जाए, और उस चक्कर में आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आते ही नहीं है। क्योंकि जो आपने पढ़ा था जनवरी से लेकर आज तक, जिस लैंग्वेज में आपने लोगों ने पढ़ा था, जो आप लोगों के लिए कंफर्ट जोन था उसमें आप लोग पढ़ रहे थे, अचानक से आप लोग उसको चेंज कर रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ कर सकती हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं, पर उनके लैंग्वेजेस का थोड़ा सा चक्कर रहता है। तो इस वजह से जो सोर्स आप लोग फॉलो कर रहे हो उसी पर टिके रहो, ये एडवाइस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेगी। क्योंकि GK बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का GK आएगा। और मैं आप लोगों को जनवरी से ही बोल रहा हूँ कि आप लोग अफेयर क्लाउड्स को फोकस कीजिए, फेयर क्लाउड्स को फोकस कीजिए, और डेफिनेटली GK वहाँ से अच्छा खासा आएगा अगर आप लोग अच्छे से कवर कर रहे हो। इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है मैथ्स और रीजनिंग का। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए स्पेशल एडवाइस है कि आप लोग अपने मेंस के जो मॉक टेस्ट है वो लगाने स्टार्ट कर दो। मेंस के मॉक टेस्ट आप लोगों को अल्टरनेट डेज पर लगाने स्टार्ट करो, उन मॉक टेस्ट का आप लोग एनालिसिस करो फुल कंप्लीट, और उसके बाद आप लोग ये देखो कि कौन से जो टॉपिक है जिनमें मेरे को दिक्कत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहाँ पे अर्थमेटिक के DI भी आने हैं SB क्लरिकल मेंस में, और लॉजिकल DI भी आने हैं। दोनों DI आप लोगों के आएंगे, लॉजिकल DI आएंगे जिसमें बाई चार्ट बारग्राफ का आपका होगा, उसके बाद आपके अर्थमेटिक के DI आएंगे, उसके बाद आप लोगों के अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी वहाँ पर आएंगे, Q1 Q2 के आएंगे, DS के आएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग प्रिपेयर करो, क्योंकि जब तक मैथ्स और रीजनिंग का स्कोर आप लोग नहीं करोगे तो SB क्लरिकल में आपका ओवरऑल स्कोर कम रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सबसे बड़ा फायदा है कि SB क्लरिकल मेंस के एग्जाम के अंदर आपकी ओवरऑल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो इसका जिसकी भी, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, उनके लिए यही है कि आप लोग मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, GK पे फोकस करो। क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग स्कोर अच्छा निकाल के ले गए तो इंग्लिश में आप लोग अगर ना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिनकी इंग्लिश वीक है मोस्टली उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों ने इंग्लिश में 0 अटैम्प्ट भी करते हो और बाकी मैथ्स और रीजनिंग और GK में आप लोग ओवरऑल कट ऑफ तक मार्क्स अपने लेके जाते हो, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है वो SB क्लरिकल के अंदर आप लोग बैठ जाओगे एज ए क्लरिकल। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मैथ्स और रीजनिंग के दम पे भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, पर आप लोगों को ये देखना होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपको चीज़ें आती कितनी है, आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए, उनका एनालिसिस कितना किया, आपने सॉल्व किया या नहीं किया। तो जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं,
आज से मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को अभी ये लग रहा है कि सर आरआरबी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आरआरबी एग्ज़ाम होगा, एसबी तो अभी आगे होगा। तो देखिए 10 के बाद एसबी कभी भी हो सकता है, मैं डेट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि 14 तारीख आ रही है एक निकल के, सोशल मीडिया पर हर जगह आपको मिल जाएगी 14 तारीख। पर आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि 10 के बाद आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि आप लोगों के 3 बड़े मेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे। इसमें आप लोगों का 2 तो आरआरबी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, आईबीपीएस आरआरबी पीयू का, आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का, एक आपका एसबी क्लरिकल एग्जाम है, उसके बाद आपका आईबीपीएस क्लरिकल का प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आईबीपीएस पीयू का प्रीलिम्स और मेंस आपका आ जाएगा। तो 2 बड़े एग्जाम आपके भी बाकी है, 3 बड़े एग्जाम आप लोगों के सामने है मेंस के एग्जाम, जिनके प्रीलिम्स अच्छे निकले हैं। तो डेफिनेटली यार आप लोग जीके पे फोकस कीजिए और मेंस के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और उनका आप लोग फुली एनालिसिस कीजिए। और उसके अलावा कोई भी अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है, और मेंस मॉक टेस्ट ओली बोर्ड के बेहतरीन मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए, मेंस के लिए ओली बोर्ड बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूं। और मैक्सिमम डिस्काउंट भी हम दिला रहे हैं ओली बोर्ड पर, आप लोगों को BKSU कोड यूज़ कीजिए, BKSU डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये मॉक टेस्ट बेहतरीन मॉक टेस्ट है, तो जिन्होंने प्रिपरेशन अपना मेंस के लिए स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।